सौंदर्यीकरण और साफ सफाई व्यवस्थाओं को लेकर दुर्ग नगर निगम की घोर लापरवाही उजागर करती है खबर। नगर निगम दुर्ग की पोल खोल रही है, जबकि उत्तर भारतीयों द्वारा मनाए जाने वाला छठ पर्व को केवल 2 दिन ही बाकी है। इन तालाबों से छठी मैया की पूजा अर्चना व्रती महिलाएं करने वाली हैं। पेश है दुर्ग शहर के तालाबों की दुर्दशा दर्शाती खास खबर। दुर्ग शहर के तालाबों की दुर्दशा देखते ही बनती है। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम अंतर्गत आने वाले तालाबों में विशेषकर बता दें तो लुचकी पारा स्थित तालाब, पुलसाई पारा स्थित तालाब, साथ ही दीपक नगर स्थित तालाब मानो अपनी बदहाली की दास्तां स्वयं ही कह रहा हो। यह हम आपको बता दें कि पूरे साल भर तालाबों में ऐसी ही गंदगी व अव्यवस्था पसरी रहती है। इन तालाबों की साफ सफाई व्यवस्था की सुध निगम ने अब तक शुरू नहीं की है, जबकि महज 1 दिन बाद उत्तर भारतीयों द्वारा मनाया जाने वाला छठ पर्व तालाबों में ही पूजा अर्चना कर मनाया जाएगा। पर बावजूद इसके अब तक तालाब गंदगी कचरों से अटा पड़ा हुआ है। इन तालाबों में छठ व्रती महिलाएं पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेगी। यहां ये कहना लाजमी होगा कि इन 2 दिनों में यदि नगर निगम प्रशासन इन खस्ताहाल तालाबों की साफ सफाई व्यवस्था कर सिर्फ खाना पूर्ति ही करेगा, यह वास्तविकता को चरितार्थ करते हुए इस तालाब का साल भर के लिए संधारण करवाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।